हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो LLB फर्स्ट ईयर एंड BLLB थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है जो कि हाल ही में सैटरडे को हुआ है। देख लेते हैं, पहला एग्ज़ाम है कॉन्ट्रैक्ट का, BLLB थर्ड ईयर का है, LLB फर्स्ट ईयर का है, तो देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का है। ओके, 80 क्वेश्चन करने थे। इसमें पहला ही क्वेश्चन था भारतीय संविधान अधिनियम से प्रभाव कब से प्रभाव में आया, वो था आपका ये जो है 1 सितंबर 1872 से। ओके, देख लेते हैं संविधान कानून में कौन सी धारा प्रवर्तित करती है कि कोई भी प्रस्तावना प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत की जा सकेगी किंतु उसके पश्चात नहीं। धारा 5 यानी सेक्शन 5 इस बात को कहता है। असंभव कार्य करने का करार जो आता है वो होता है वॉइड, यानी कि बी आपका आंसर होगा। ओके, सेक्शन 4 देख लेंगे, सेक्शन 17 क्वेश्चन 4 सेक्शन 17 भारतीय संविधान अधिनियम धारा 17 परिभाषित करती है, फ्रॉड को परिभाषित करती है। ओके, यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान विधि पर आधारित है, किस पर? देखिए इंग्लिश लॉ पर जो आधारित है। अब प्रतिग्रहण किया जा सकता है ए और बी, यानी कि दोनों का होगा, सी आंसर होगा इसका। ओके, सेवंथ का देख लेते हैं, प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है इसको देख लेते हैं, तो ये होगा सी। ओके, एट वाला देख लेते हैं, किसी अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध बिल्कुल शून्य होता है, ये जो है किसका केस है, यह मामला किसके निर्धारित किया गया था? देखिए ओहिरी बीबी बनाम धर्मदास था इसका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्ध संविदा अनुबंध नहीं है, नाइन्थवा क्वेश्चन है, कौन सा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गोड्स। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य समझौता नहीं है, कौन सा शून्य समझौता नहीं है इसकी बात हम करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डाउटेबल था, इस वजह से हमने इसे ड्रॉप डाउन किया है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। भारत में लागू कानून विधि गलती का करार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है शून्य, यानी वॉइड की ओर जाएंगे आप, वॉइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरी बनाम पीक 1889 का वाद निम्नलिखित में है, किस पर है, ये हम देखेंगे। ये जो है हमारा फ्रॉड पर आधारित है। ओके, अवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसने 18 वर्ष की आयु कर ली हो। भारतीय संविधान अधिनियम का निर्वचन खंड दिया गया है, किस में दिया गया है, सेक्शन 2 में है ये, सेक्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो आंसर होगा जहां तथ्य के मामले में दोनों पक्ष गलती पर हो वहां समझौता करार हो जाएगा, वो होगा शून्य में, वॉइड में। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्यूड प्रो क्यूओ का अर्थ होता है, यानी कि समथिंग इज रिटर्न होता है, समथिंग इज रिटर्न टू पार्टीज के बीच में होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की कौन सी धारा प्रस्ताव की शर्तों पर प्रदर्शन प्रस्ताव की स्वीकृति को प्रभाषित करती हैं, ये जो होता है वो होता है सेक्शन 8। ओके, प्रतिफल से संबंधित कौन सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर होगा बी एंड सी, डी आंसर होगा, ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने के योग्य हैं वो कौन से होते हैं, उनकी हम बात करेंगे, वो होते हैं शून्य। ओके, 20 क्वेश्चन देखेंगे, 21 क्वेश्चन है, प्रस्ताव के निरसन के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है, किन सेक्शन में किया गया है, वो है 6। यदि कोई सहमति नहीं है, करार है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, वो होगा वॉइड, यानी कि शून्य। ओके, करार जो व्यापार के अवरोधार्थ है, करार जो अवरोधार्थ है वो होगा शून्य, यानी कि वॉइड। ओके, अगर मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कंटेंट के साथ कमेंट करिएगा, तो हम उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में उसे चेंज कर देंगे। ओके, यदि किसी व्यक्ति का वर्ष तक पता लगता है तो कितने वर्ष तक पता लगता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 ईयर 7 साल। ओके, प्रतिफल है, प्रतिफल क्या है इसकी हम बात करेंगे, तो देखिए ये जो है कंसीडरेशंस जो होता है, इसमें हमें डाउट था कंसीडरेशंस
एक जो है दो पार्टियों के बीच में समझौता होता है, और उस समझौते में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ रेसिप्रोकल्स होता है, यानी कि आप गुड्स एंड सर्विस की रेसिप्रोकल कर सकते हैं। आप अगर किसी को सर्विस दे रखते हैं तो सर्विस के बदले सर्विस भी ले सकते हैं और सर्विस के बदले अमाउंट भी ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमें लगा नहीं था, तो इस वजह से हमने इसे ड्रॉप कर दिया। वैसे अगर मेरी तरफ से जाना चाहोगे तो मैं सही की ओर जाऊँगा, 1, 2, 3 इज अ सही है। ओके, हर जाने के भुगतान से संबंधित विधि है। ये जो है, ये जो केस था, ये जो था हैंडले बनाम ये था बैक्सेंडेल, ये था। ओके, भारतीय संविधान अधिनियम 73 में जो दिया गया, देखिए सेक्शन 30 में कवरेज ऑफ डैमेज दिया गया है, तो उस कवरेज ऑफ डैमेज में सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, उपयुक्त सभी होगा। 27 की हम बात करेंगे तो 27 का जो ऑप्शन होगा, देखिए यह है कोरिशियंस ऑफ डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ, किस में डिफाइंड किया गया है, सेक्शन 15 में इसे डिफाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अब यह है खानगुल बनाम लखा सिंह वाद, खानगुल बनाम लखा सिंह वाद जो है वो जो आएगा वो आएगा सेकंड का, बी अनुबंध की हताशा से था, और विनी दृष्टि अनुदोष अधिनियम का आधार है, ये होगा आपका लॉ ऑफ मॉरलिटी। ओके, नैतिक विधि 31 देखेंगे, 31 आपका जो क्वेश्चन है वो है ऐतिहासिक मूल, इसका आंसर होगा ऐतिहासिक मूल्य की वस्तुओं प्राप्त करने का अनुबंध। ओके, 32 को देख लेंगे, 32 होगा बी। ओके, अब मैं फास्टली चलता हूँ, आप अपने ऑप्शंस को मिला लीजिएगा, अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, इसका आंसर होगा सी 33 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से 34 रह गया भाई, 34 यह है सभी अवैध सूचना संविधाएं शून्य हैं, किंतु सभी शून्य संविधाएं नहीं हैं, होगा इलीगल, बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संविदा के लिए आवश्यक नहीं है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, अचल संपत्ति। ओके, 36 देखेंगे, 36 में आपका वॉइड होगा, 37 में ऑल ऑफ दीज होगा, 38 की अब बात करेंगे तो वैलिड होता है वैध। ओके, 39 की अगर आप बात करेंगे तो 39 जो है, देखिए जब संविधान के अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें 59 to 61 तक होता है, बट हमारा जो इसमें ऑप्शन सही है वो है 59। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाद हताशा से संबंधित है, ठीक है, कौन सा हताशा से संबंधित है, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैं अभी आपको बता के चला था, तो हैंडली वर्ण बैक्स नेल था। ओके, एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बन जाता है, क्या बन जाता है, आप ये बताएंगे कि एक वादा बन जाता है, क्या जब कोई एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो हम एक वादा कर लेते हैं कि जो है प्रॉमिस हो जाती है कि हाँ ये जो है हमने स्वीकार कर लिया है, प्रॉमिस कर दिया है सामने वाले को। एग्रीमेंट तो बाद में होता है जब साइन हम कर लेते हैं, यानी कि स्वीकृति जब हम ले लेते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है जी, यहाँ पर है क्वेश्चन देखेंगे 42, क्वेश्चन 42 का है वॉइडेबल आंसर होगा इसका, वॉइडेबल। ओके, क्वेश्चन 43 की बात करेंगे, 43 मैं फास्टली चलता हूँ, अब एग्रीमेंट होगा इसका। ओके, सेक्शन 13 इसका आंसर होगा ओनली ए, ये देखिए घोषणात्मक डिग्री किसके मध्य में बाध्यकारी होती है, केवल संविदा के पक्षकारों के लिए। ओके, अब देखेंगे 46 का बी आंसर होगा। ओके, 47 की हम जब बात करेंगे तो 47 आएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ये को 48 की बात करेंगे, 48 हमने छोड़ दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। ओके, 49 की हम बात करेंगे तो ए इसका आंसर होगा, 50 की हम बात करेंगे तो आपका बी इसका आंसर होगा, बी। 51 की जब हम बात करेंगे इसमें तो 51 का जो आपका आंसर होगा 14, क्या हुआ 14, और 52 की जब बात करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए
और ये भी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये रेसिप्रोकल कैटेगरी का होता है 57, और यहाँ पर अल्टरनेट माउसिस जो हो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका 58 होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें मुझे करेक्ट लगे थे, इस वजह से मैंने इस ऑप्शन को छोड़ दिया है। तो 52 को आप चेक करिएगा। 53 की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 42, 53 की, 54 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 4। ओके, 55 को देख लेते हैं। 55 का जो आंसर होगा आपका, इसमें ए बी सी तीनों ही, ये देखो दोनों ही ऊपर के सही हैं तो इसका सी के लिए जाएंगे। ओके, 56 की बात करेंगे, 56 का बी। ओके, 57 का 127 है, 57 का है 127। ओके, 58 का है बी। ओके, 58 का है बी। 59 की अगर हम बात करेंगे, 59 का है आपका सी, 59 का है सी। 60 की अगर हम बात करेंगे तो 60 का है सी। ओके, 60 का है सी। 61 की अगर हम बात करेंगे तो 61 भी हमने ड्रॉप किया है। 62 की अगर हम बात करेंगे तो आपका जाएगा सी की ओर, 62 जो है वो सी की ओर जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 63 वाला जो क्वेश्चन है वो जाएगा आपका 72, यानी कि ए की ओर, सॉरी 73 की ओर जाएगा, 73 बी। ओके, 64 को देखेंगे तो 64 का ए। ओके, 65 का भी ए। ओके, 66 की बात करेंगे तो 66 में है void, 66 में जाएंगे void की ओर, शून्य की ओर। 67 होगा सी। 68 की ओर देखेंगे तो 68 हमने ड्रॉप किया है, वैसे इसका आंसर जो है वो है डी मेरी तरफ से, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 69 को देखेंगे, 69 में आएगा आपका बी। ओके, 17 की अगर हम बात करेंगे तो ए इसका आंसर होगा। 71 की अगर हम बात करते हैं तो 39 इसका आंसर होगा। 72 की बात करेंगे तो आपका बी इसका आंसर होगा। 73 की अगर हम बात करते हैं, 73 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी। ओके, 73 की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी, और सॉरी 73 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी। 74 को देखते हैं तो 74 इज डाउटेबल है। देखिए इसमें जो है बहुत ही मुझे असमंजस की बात लग रही थी, तो इसमें ना तो कॉन्टैक्ट का कोई भी ऑप्शन है तो मैं तो डी की ओर जाऊंगा, बट आप इसे चेक करिएगा आपका आंसर कौन सा सही होता है, ना तो ए और ना ही बी की ओर जाऊंगा। अब देखेंगे 75 को देख लेंगे, 75 भी मैंने ड्रॉप किया है, 76 मैंने सीधा किया है, 76 की ओर चलेंगे तो इसका आंसर होगा ए। ओके, 77 आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा बी, क्या होगा बी। ओके, 78 की देखेंगे, 78 मैंने जो है इसका आंसर लगाया है सी, इसका आंसर सी। 79 जो है इसका है सी। ओके, 79 का है सी। अब देखेंगे आप 79 हो गया, 80 देखेंगे, 80 डायरेक्टली 80 को देखते हैं, 80 की ओर चलते हैं तो 80 का हमारा जो आंसर है वो है ए। 81 को आप देखेंगे तो 81 का आंसर है सी। ओके, 82 को देखेंगे इसका आंसर है बी। ओके, 82 को देखेंगे इसका आंसर है बी, और इसका 83 को देखेंगे इसका आंसर है सी। मीटिंग ऑफ द माइंड टुगेदर्स, यानी कि दोनों का एक साथ मिलना। 84, अब हम 84 की बात कर लेते हैं तो 84 है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की, इसमें समृद्ध संविधान को परिभाषित किया गया, किस धारा में परिभाषित किया गया, 31। ओके, ये मेरा डाउटेबल क्वेश्चन था तो ये मैंने ड्रॉप किया है। आप देखेंगे डायरेक्टली 86 को, तो 86 में भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा में संयुक्त अधिकारों को के न्यायगमन के विषय में वर्णन है, किसका है, कौन सी धारा है, वो है आपका 45। देख लेते हैं इसका आंसर। ओके, ये जो है सुप्रीम कोर्ट है। ओके, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, यहाँ पर 2 भी है, ये भी करेक्ट है। आप 89 को देखेंगे, 89 का है रेसिप्रोकल, यानी व्यक्तिकारी वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होनी चाहिए दोनों पार्टियों के बीच। ओके, 90 का कोई जो क्वेश्चन है वो है बी, करार एग्रीमेंट होना चाहिए। 91 देखेंगे, 91 डाउटेबल था तो मैंने ड्रॉप किया है।
92 देखेंगे, 92 92 में आप देखेंगे तो 75 होगा इसका, और 93 का सी, 94 मैंने ड्रॉप किया है, 95 आप देखेंगे तो इसका 12 है, 96 का ए, ओके 97 का बी, 97 का बी, ओके 98 का सी, और 99 का आपका होगा डाउटेबल था तो मैंने ड्रॉप किया है, 99 को ड्रॉप किया है, 100 का मैं देखूंगा तो ए होगा। ओके ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिनमें से मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस के डाउटेबल क्वेश्चंस को छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि उन डाउटेबल क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं तो आप उनके हमें आंसर्स कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी लगता है कि हमने हमारे बताए हुए क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चंस आपको मिस्टेक है तो आप उनका भी हमें कंटेंट के साथ कमेंट करिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे चेंज कर देंगे। किसी भी गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे और इसी तरीके के सॉल्यूशंस हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।